खड़ा में आज सबसे पहले शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा है। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड नहीं मांगते हुए न्यायिक हिरासत की मांग की थी। ईडी ने कोर्ट में दबाव और दावा करते हुए ये भी कहा केजरीवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया। अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2, 3 या 5 में से किसी एक में भेजा जा सकता है। वहीं तिहाड़ जेल में भी इसकी तैयारी है, लेकिन कोर्ट में काफी ड्रामा हुआ, कोर्ट के परिसर में भी ड्रामा हुआ, जहां अरविंद केजरीवाल ने फिर से आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया डाला, जबकि सबूत इकट्ठे ईडी ने किए, ईडी ने दावा किया और ईडी ने कोर्ट में उनकी रिमांड पूरी तरह से अपहोल्ड करवाई और पुलिस कस्टडी, आज ईडी ने कहा कि अब उन्हें पुलिस कस्टडी की आवश्यकता नहीं है, उनके पास साक्ष्य इतने सारे हैं। लेकिन जो भी सवाल ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है, ईडी ने यह दावा किया कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे। हालांकि ईडी ने अब कहा कि उन्हें अब पुलिस कस्टडी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की जैसा हो उन्हें जुडिशियल कस्टडी भेजा जाए और 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी की मांग की और 14 दिन तक, अब अगले 14 दिन तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे, जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे 15 अप्रैल तक। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। दीपक बिष्ट और आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। कोर्ट में आज काफी ड्रामा हुआ, लेकिन कोर्ट के परिसर में भी हुआ। आनंद तिवारी और दीपक बिष्ट, दीपक सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर आरोप किस बात पे लगाया है, क्योंकि एक्साइज की पॉलिसी लाने वाले अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार थी, एक्साइज की पॉलिसी को बदलने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार थी। जैसे ही सीबीआई ने इंक्वायरी की घोषणा की, उस एक्साइज नीति से पलटने वाले भी अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार थी, तो यहां पर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अनंत, जिस तरह से पिछली बार भी हमने उनको रिमांड के दौरान उनसे सवाल पूछा था, क्योंकि मीडिया वहाँ पर जब खड़ी होती है और मीडिया सवाल पूछती है तो उनका कोई ना कोई मैसेज जरूर जाता है और वो मैसेज काफ़ी हलचल पैदा कर देने वाला होता है। और यहाँ पर भी देखा गया, आज भी उन्होंने इस तरह का मैसेज दिया था, जिसके बाद क्योंकि आज ये मैसेज देने के अलावा कोर्ट के अंदर भी कई सारी चीज़ें रही आनंद, जिसमें 2 नए नाम यहाँ पर सामने आए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी की बड़ी मंत्री और दिल्ली सरकार की मंत्री कहेंगे उन्हें आतिशी, और उसके अलावा सौरभ भारद्वाज, 2 और नाम ईडी ने लिए हैं कि केजरीवाल ने उन्हें बताया कि विजय नायर को उन दोनों को रिपोर्ट करता था। तो ये नाम जिस तरह से आए हैं चर्चा में, उसके अलावा जो मैसेज यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने दिया है, तो कहीं ना कहीं ये लाइन बिल्कुल डिफरेंट जा रही है आप, क्योंकि ईडी ये हो सकता है कि दोनों को भी पूछताछ के लिए समन भेज सकती है, क्योंकि उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनका नाम यहाँ पर लिया गया कोर्ट के अंदर, तो ये कहना मुश्किल होगा कहना यहाँ पर कि अब कई किरदार, जिस तरह से हम लगातार ये कह रहे थे कि हर बार नया किरदार जुड़ता है, तो अब की बार फिर 2 किरदार यहाँ पर जुड़ रहे हैं और ये दोनों किरदार से का क्या अब ईडी पूछताछ करेगी या नहीं, क्योंकि ईडी ने पहले ही कोर्ट में कह दिया था कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब तक अरविंद केजरीवाल से जब जब पूछताछ की जाती है वो सहयोग नहीं करते, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उसका आंसर गोलमोल होता है। इसके अलावा जो डिजिटल डिवाइस थी उनका पासवर्ड एक्सेस नहीं हो पा रहा, अब तक पासवर्ड नहीं मिल पाया है, अरविंद केजरीवाल का जो खुद का मोबाइल फ़ोन है उनका पासवर्ड अब तक वो नहीं दे पाए हैं, तो ये बड़ी दलीलें शुरुआत से लगातार रिमांड के लिए, जो दावा है बार बार वो प्रूफ कर पा रही है और ये साक्ष्य दे पा रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रही है, लेकिन कई सारे ऐसे साक्ष्य सामने रखे गए हैं जहां ये आरोप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद थे जब किकबैक्स की बात हुई, जब सौदा हुआ साउथ ब्लॉक के साथ, जो अप्रूवर्स कह रहे हैं क्या उसको तथ्य के साथ कोर्ट पर प्रूफ कर पा रही है, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के लिए तिहाड़ जेल जा रहे हैं। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद, कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने क्या कहा, क्या दलील उन्होंने पेश की और क्या वजह है कि कोर्ट ने ईडी की मांग को अपहोल्ड किया है? देखिए आनंद, कोर्ट रूम में दीपक हमारे सहयोगी मौजूद थे, इस वक्त मैं ईडी हेडक्वार्टर पर मौजूद हूं, लेकिन जिस तरह से जो दीपक जानकारी दे रहे हैं, अब 2 मंत्री जो हैं उनकी मुश्किलें भी आनंद इस पूरे मामले में बढ़ सकती है, क्योंकि कोर्ट रूम में आज जो है वो 2 आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के नाम का जिक्र किया गया है, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का, और विजय नायर
क्योंकि देखिए आनंद, विजय नायर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थे ये शराब घोटाले के, वो कम्युनिकेशन विंग से थे और अरविंद केजरीवाल ने फेस टाइम पे जो एक बात करी थी आरोपी से, उसमें विजय नायर को लेके कहा था कि वो मेरा गुड बॉय है और वही तमाम जो साउथ की लॉबी का जो किकबैक का पैसा था वो विजय नायर ही हैंडल कर रहे थे। तो ऐसे में अगर विजय नायर आतिशी या सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते हैं, अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे में ईडी आने वाले वक्त में क्या उन्हें सम्मंस करेगी, ये बहुत गौर करने वाली बात है। और अगर सम्मंस करती है तो जाहिर तौर पर उनके बयान क्या मायने निकालते हैं इस पूरे मामले में, ये देखने वाली बात। देखिए ईडी का क्या कहना है, आनंद ये जानना चाहो, क्या ईडी का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल को सब पता था, सब उनके इशारे पर हो रहा था, लेकिन कोई भी सुई आकर अरविंद केजरीवाल पर आग पर नहीं टिकती। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रही है ईडी की, अरविंद केजरीवाल ये कहते पाए गए हैं कि विजय नायर मेरा गुड बॉय है, कम्युनिकेशन चीफ है, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट में ये कहा गया है तो विजय नायर तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, तो कहीं ना कहीं यही आम आदमी पार्टी के अंदर भी क्या ये अब खलल पैदा करेगा। देखिए बिल्कुल आनंद, जब अरविंद केजरीवाल को पहली बार गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया था, तब ईडी ने बड़ा दावा कोर्ट में किया था कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो इस पूरे शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है, किंग पिंग है और आम आदमी पार्टी एक कंपनी के तौर पे काम कर रही है और इस कंपनी से जुड़े जितने भी लोग हैं वो तमाम इस अपराध के दायरे में आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बार जब उन्हें पेश किया गया तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम लेके कोर्ट में कहा जो एसजे राजू है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो अरविंद केजरीवाल ने मांगी और आम आदमी पार्टी तक ये पैसा पहुंचा है। तो पहले ही ईडी जो है चार्जशीट में भी अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र था, मनीष सिसोदिया का, कि के कविता को जो किकबैक का जो पैसा था, के कविता के जरिए जो साउथ लॉबी से मिला और जो गोवा चुनाव में खर्च हुआ उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और कोर्ट में भी बकायदा दो बार जब अरविंद केजरीवाल की रिमांड के लिए अरविंद के ईडी कोर्ट पहुंची थी वहां पर भी इस बात का जिक्र किया गया। तो ये ऑन रिकॉर्ड चीजें जो है कोर्ट को बताई गई है कि अरविंद केजरीवाल को इस शराब नीति लागू होने से और लेके बनने तक की तमाम जानकारी थी। या मैं जल्दी से दीपक मिश्र से भी ये जानना चाहूंगा कि इम्पोर्टेंट बात यह है दीपक, कोर्ट में आप थे कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम अरविंद केजरीवाल के पक्षकार लॉयर्स ने लिया है, ईडी ने नहीं लिया। देखिए ईडी की तरफ से एसजी राजू जो है उन्होंने ये नाम लिया था और उन्होंने ये नाम लेने के बाद ये भी कहा था कि मीडिया कोऑर्डिनेटर उस वक्त जो विजय नायर थे उन्होंने लगातार उनके साथ कांटेक्ट नहीं किया था, बल्कि ये कांटेक्ट किया गया था सिर्फ आतिशी और सौरभ भारद्वाज को, उनसे कांटेक्ट नहीं होता था, सीधा कांटेक्ट वो उनको करते। तो ये बात यहाँ पर उनसे सवाल पूछा गया, उसके जवाब में ईडी ने अपनी तरफ से यहाँ पर रखा है, जबकि आप सूत्र ये कहते हैं कि मीडिया कोऑर्डिनेटर था जो विजय नायर है और लगातार मीडिया कोऑर्डिनेटर होने के साथ ही मीडिया को देखता था, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उस समय सौरभ भारद्वाज थे तो उनका कोई लिंक नहीं बनता, ऐसा आम आदमी पार्टी सूत्रों का कहना है। लेकिन जिस तरह से दो नए नाम आज यहां पर कोर्ट के अंदर आए हैं तो ये काफी हलचल पैदा कर देने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसमें एक बात क्या ये बात सही है, मैं वापस आपसे जानना चाहता हूं कि ईडी से क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी, पर क्या सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान आया कि विजय नायर मुझे नहीं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते हैं। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, उस वक्त तब आप कोर्ट में थे पर क्या उस वक्त आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी कोर्ट में थे, तो उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या रिएक्शन था? देखिए बिल्कुल वो भी मैं वहीं पर था उस वक्त, और जैसे ही उनका नाम लिया गया तो वो दोनों बिल्कुल एक चौंकाने वाली उनकी उस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज थी वो चौंक गए थे अचानक से। जिस तरह से एसजी राजू ने नाम लिया था कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ में उन्होंने ये बताया था कि विजय नायर मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं करता था, जबकि आम आदमी पार्टी के दूसरे आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता। तो जैसे ही ये नाम लिया गया तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी और यहाँ पर चौंकाने वाली बात भी थी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर नाम लिया गया था दोनों का कोर्ट के अंदर, तो ऐसे इस पूरे नाम लेने के बाद की जो कार्रवाई है अब वो काफी हैरान कर देने वाली होगी। तो दीपक तो इस घटनाक्रम को जरा समझते हैं, दीपक जरा इस घटनाक्रम को समझते हैं। एएसजी राजू को कोर्ट ने पूछा तो एएसजी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ईडी को कहा कि विजय नायर से मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं था, विजय नायर सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था। ये एएसजी राजू ने कोर्ट में यह कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के वक्त यह हमें बयान दिया है। आप वहां कोर्ट में मौजूद थे, आपने कहा सौरभ भारद्वाज और आतिशी जो वहां मौजूद थे कोर्ट में वो चौंक गए इस रिएक्शन पे। मैं जानना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या इस बात का खंडन किया गया था, इस क्लेम का खंडन किया था क्या? उस वक्त खंडन नहीं किया गया था उनकी,
अभी तक उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा रिएक्शन या कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ नाम लिया गया था, तो वो दोनों जरूर चौंके थे क्योंकि वो आगे के दूसरी सीट पर बैठे हुए थे, कोर्ट की प्रोसीडिंग जो चल रही थी सुन रहे थे। तो अचानक जब उन दोनों का नाम आया तो वो दोनों उनकी बॉडी लैंग्वेज अचानक हैरान कर देने वाली थी, और उसके बाद हालांकि किसी तरह का खंडन नहीं किया गया आज, क्योंकि पिछली बार अरविंद केजरीवाल काफ़ी बोले थे जज साहब के सामने, लेकिन आज उनकी तरफ से कोई वर्ड ऐसा नहीं निकला था। और जिस तरह से ईडी ने अब अपनी तरफ से कहा कि केजरीवाल ने उन्हें बताया है कि विजय नायर जो इस पूरे कॉन्स्पिरेटर था, इस पूरे दिल्ली शराब नीति में उसके द्वारा ही सभी लोगों से बातचीत होती थी, डील होती थी, और यहाँ पर वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था बल्कि वो सीधा अतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो ये दोनों के नाम आने के बाद वो चौके जरूर, उसके अलावा अब उनके लिए मुश्किलें भी हो सकती कोर्ट में, ईडी आगे की कार्रवाई में, ईडी इस पूरे मामले में जब दिल्ली शराब नीति में जाँच कर रही है तो उन दोनों को भी समन देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। आनंद जी, तो इस आबकारी घोटाला मामले में कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, ऐसा ईडी के तरफ से वकालत करते हुए एएसजी राजू ने कहा कि देखिए पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि विजय नायर सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था, मुझे नहीं। केजरीवाल ने विजय नायर का नाम आतिशी और सौरभ भारद्वाज से जोड़ा है, और ये दावा ईडी ने कहा, ईडी की तरफ से लॉयर ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने तो ये हमें कहा है, अरविंद केजरीवाल का ये कहना है, जबकि हमारे पास एक साक्ष्य ये है जो साक्ष्य ये दिखाता है जहां अरविंद केजरीवाल ये कह रहा है एक फेस टाइम चैट में, एक ऑडियो में, कि विजय नायर इज माई गुड बॉय, वो मेरा गुड बॉय है, ऐसा साउथ ब्लॉक को बोल रहे हैं, और ये बात उन्होंने कही है, जिसकी वजह से अब कोर्ट के अंदर बैठे आतिशी और सौरभ भारद्वाज एक सेकंड के लिए तो चौंक गए, उनके हाव भाव बदल गए। अब वो बाहर आकर कोर्ट से क्या कहते हैं ये बहुत बड़ी बात होगी। दीपक, ये समझने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहते हैं पीएम ने जो किया ठीक नहीं किया, लेकिन ये पूरी आबकारी नीति दिल्ली सरकार द्वारा बदली गई थी, दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई थी और दिल्ली सरकार द्वारा हटाई गई थी। दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। विजय नायर अप्रूवर टर्न हो गया, वो कहता है मैंने जो कुछ किया सब अरविंद केजरीवाल के कहने पर किया। वहां साउथ ब्लॉक की लॉबी से जो अप्रूवर टर्न हुआ है वो भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल वहां रूम में मौजूद थे जब किकबैक की बात हुई। अरविंद केजरीवाल अब कहते हैं अरे विजय नायर तो मेरा गुड बॉय नहीं है, वो रिपोर्ट तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को करता है, तो यह हो क्या रहा? देखिए बिल्कुल आनंद, क्योंकि ये चौंकाने वाले यहाँ पर तथ्य आज सामने आए हैं, क्योंकि जिस तरह से एएससी राजू ने कहा कि जब उनसे केजरीवाल से पूछताछ हो रही थी तो उन्होंने यही उन्हें जवाब दिया था, और इस जवाब को आज कोर्ट के सामने रखा गया, तो जिसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया। अब ऐसे में क्योंकि विजय नायर, आम आदमी पार्टी सूत्रों का ये कहना है कि विजय नायर जो था वो मीडिया कोऑर्डिनेटर था और वो लगातार मीडिया ही देखता था, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर उस दौरान सौरभ भारद्वाज थे, तो उनका कोई लिंक नहीं बनता, वो आपस में बात तो कर सकते हैं क्योंकि एक प्रवक्ता है और एक मीडिया कोऑर्डिनेटर है। लेकिन यहां पर जिस तरह से आज नाम लिया गया, क्योंकि दिल्ली शराब नीति मामले में ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस पूरे मामले में जितने किरदार हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, और यहां पर इन दोनों के नाम आने के बाद वो वाकई में चौंकाने वाले वहां पर मोमेंट थे, क्योंकि उन दोनों को चौंकना लाजमी था, उनका नाम वहां पर कोर्ट के अंदर लिया जा रहा था और ऐसी जगह लिया जा रहा था जिसकी वो शायद उम्मीद नहीं करते, या फिर वो जो कुछ भी वहां पर सब कुछ चल रहा था, तो उस दौरान वो चौंके थे और हैरान रह गए थे, क्योंकि जिस तरह से एएसजी राजू की तरफ से यहां पर उनका नाम लिया गया था। तो अब ये देखना होगा कि इस पूरे केस में, क्योंकि विजय नायर लगातार शुरुआत से ही एक और बात आनंद तिवारी भी हमारे साथ है। आनंद, एक इंपॉर्टेंट बात ये है, हमें दर्शकों को ये बताना चाहिए, जब ईडी ऐसे पूछताछ करती है तो उसकी वीडियोग्राफी होती है, क्योंकि पीएमएलए के अंडर चल रहा है। जब पीएमएलए के अंडर पुलिस कस्टडी में या ईडी की कस्टडी में पूछताछ होती है तो उसकी वीडियो। अच्छा, दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के कुछ कह रहे हैं, अपना लोकतंत्र विरोधी चेहरा सामने लाते हुए दिल्ली के विधायकों को फिर से तोड़ने की नाकाम कोशिश करी है। विधायकों को अलग अलग जगहों पर अप्रोच करके यह कहा जा रहा है कि देखो जैसा कि हमने पहले कहा था, तुम चीखते रह गए, बताते रह गए कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होने वाली है बेबुनियाद, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, हमने बेसिर पैर के आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल जी को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। अब जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी ट्रेल के, तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं, और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन
की ओर धकेलेंगे दिल्ली को और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे, और फिर जब उसके बाद सरकार बनेगी तो अभी हमारे साथ आ जाओगे तो पैसा मिलेगा, 10 लोगों को लेकर आ जाओगे तो मंत्री पद भी देंगे और सत्ता में पावर में बने रहोगे। लेकिन ये सारे प्रलोभनों को देने के दौरान भाजपा ये फिर से भूल गई कि आम आदमी पार्टी के विधायक भगत सिंह के चेले हैं, अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं, और वो मरते दम तक दिल्ली की सेवा की, दिल्ली की जनता की सेवा की जो प्रतिज्ञा ली है वो आप प्रतिज्ञा अरविंद केजरीवाल जी के गाइडेंस में पूरी करती रहेंगे।